राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रावड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव की आज शादी है। इस शादी में देश के बड़े बड़े वीआईपी के आने की बात है। इनमें खास लोगों के साथ ही आम लोगों का भी जमावड़ा रहेगा, लेकिन सबकी निगाह लालू के घर अरसे बाद पहुंचेंगे नीतीश कुमार, इस पर टिकी रहेगी। जनाक्रोश रैली में भाग लेने शुक्रवार को जैन आए कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्नी प्रियदर्शनी और बेटे महाआर्या मान के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चन के बाद लौटे तो पता चला कि उनके जूते चोरी हो गए। इसी वजह से सिंधिया को नंगे पैर करीब 200 मीटर तक चलना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने ताबड़तोड़ नई चप्पल मंगवाई। इधर कुछ कांग्रेस नेताओं ने घटनाक्रम पर कहा कि पनौती गई, अब मध्य प्रदेश में नई सरकार बनेगी। म्यांमार में जाति विद्रोह को लेकर अशांति का माहौल है। म्यांमार की सेना और एक जाति सशस्त्र समूह के बीच झड़प हो जाने से कम 19 लोग मारे गए। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी दूरस्थ शान स्टेट में यह हिंसक झड़प की घटना हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने 2020 मिशन के तहत मंगल ग्रह पर मिनी हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसका उद्देश्य ग्रह पर नवीनतम पीढ़ी से रोवर लगाने का लक्ष्य है। यह पहली बार होगा कि जब किसी और ग्रह पर इस तरह का विमान भेजा जाएगा। नासा ने कहा कि ये एक लघु मानव रहित ड्रोन जैसा हेलीकॉप्टर होगा जो लाल ग्रह की हमारी समझ को और बढ़ावा दे सकता है। इसे मंगल हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाएगा।